जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण के यांकिक प्रश्नों को कर रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल में हम आज क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आप सभी लोग बुक खोलें और देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। देखें, ऊंची एड़ी के जूते पहने 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऊंचे हील का कोई जूता या जूती किसी को नहीं पहनना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए जो प्लेट हो और अंदर से खुरदुरा हो। ऐसा नहीं कि कोई अंग जो है उठा रहे, एड़ी उठा रहे, एड़ी उठा रहेगा तो उसका ब्रेन पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं साइंटिफिक रूप से बहुत हानिकारक होती हैं, लेकिन ये फैशन सा चल पड़ा है। चलिए देखा जाए, ऊंची एड़ी के जूते पहने 50 किलोग्राम द्रव्यमान की लड़की, लड़की का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 50 किलोग्राम, अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास की एक ही वृत्ताकार एड़ी पर, तो व्यास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, देखिए डायामीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम व्यास निकाल लें, सॉरी व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लें। तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे, आपको मालूम है कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, और आपको मालूम है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे, यानी 10 का घात 2 से भाग देंगे, 10 का घात 2 ऊपर जाएगा, 10 का घात ऋण 2 हो जाएगा, तो 0.5 गुणे हो जाएगा 10 का घात ऋण 2। अगर यहाँ से हम दशमलव हटा दें तो 5×10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये त्रिज्या हो गई, एड़ी पर संतुलित किए हुए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्षैतिज फर्श पर एड़ी द्वारा आरोपित दाब ज्ञात कीजिए। तो चले ध्यान पूर्वक देखें, तो एड़ी द्वारा आपसे आरोपित दाब पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि दाब पी बराबर होता है F/A, और आपको ये भी मालूम है कि बल जो होता है वो भार के बराबर होता है, यानी M×G के बराबर होगा, और एड़ी वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr². अब हम यहाँ पे सभी वैल्यू रख लें, तो यम की वैल्यू आपको दिया है 50, जी का मान आपको मालूम है 9.8, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, और आर का स्क्वायर, आर हमने देखा 5×10⁵ है, स्क्वायर कर दें 5 का वर्ग कर देंगे 25 हो जाएगा, और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁶ होगा, -6 को ऊपर लेके चले जाएं तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, देखें 25 से इसको कटा देंगे तो 25×50 हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, फिर 2 से इसको हम कटा दें तो ये हो जाएगा 1.57, फिर यहाँ देखें ऊपर है 9.8 और नीचे हो गया 1.57, और इनटू ये 10⁶ ही है। अब ऊपर नीचे हम जो है 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 980 हो जाएगा, 980 हो जाएगा, और नीचे 157 हो जाएगा, × 10⁶। अब 980 को 157 से डिवाइड कर दिया जाए
तो ये वैल्यू लगभग 6.2 आएगी और इंटू 10^6 और दाब है तो यह दाब हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, टोरिसेली के वायु दाब मापी में, टोरिसेली का प्रमेय हमने आपको बताया था, टोरिसेली के वायु दाब मापी में पारे का उपयोग किया गया था। पास्कल ने ऐसा ही वायु दाब मापी 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व, घनत्व दिया हुआ है, रो की वैल्यू दी गई है, इसको हम नोट कर लेते हैं, और ये दिया हुआ है 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, घनत्व की फ्रेंच शराब का उपयोग करके बनाया, यानी टोरिसेली ने पारा भरा था और पास्कल ने पारा के जगह पर फ्रेंच शराब यानी फ्रांस का बना हुआ शराब उसमें भर दिया। सामान्य वायुमंडलीय दाब 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए शराब के स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पी का भी मान आपको दिया हुआ है और एक वायुमंडल दिया है 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लिए शराब स्तंभ की ऊंचाई यानी वायु दाब मापी में शराब का जो स्तंभ होगा वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ा होगा, एच की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो हमने द्रव के दाब के लिए सूत्र बताया था, पी इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जे, तो यहाँ से एच की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा पी अपॉन रो इंटू जे। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं और रख करके सॉल्व करते हैं, तो पी की वैल्यू 1.013 इंटू 10^5 है और फिर नीचे रो की वैल्यू रखते हैं, रो है 984 और 984 ही है केवल। अच्छा अब जी की जो वैल्यू है 9.8 दिया हुआ है, अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना होगा, तो चलिए देखा जाए सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, ये 1.013 है ना, तो देखें ये जो 10^5 है तो 10^5 का हम यहाँ गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो डेसिमल जो होगा 5 डिजिट राइट साइड में चला जाएगा, तो 5 डिजिट जब राइट साइड में जाएगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे और फिर नीचे ये है आपका 984 इंटू 9.8, यहाँ भी ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो 10 से गुणा कर देंगे एक और जीरो आ जाएगा और डेसिमल यहाँ से कट जाएगा। अब इसको हम लोग 2 से कटा दें तो देखिए 2 से कटाएंगे तो ये 2 चौके 8 हो गया और फिर ये हो जाएगा आपका 2 9 18 और फिर 2 2 4 हो जाएगा, ये 492 हो जाएगा और 2 से इसको कटाएंगे 2 5 10 हो जाएगा, फिर 0 2 6 12 हो जाएगा, फिर 1 2 5 10 और फिर 2 6 0 हो जाएगा। अभी तो ये फिर कटने लायक है, फिर 2 से इसको कटा सकते हैं, तो 2 से कटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये हो गया आपका 2 चौके 8 हो गया और फिर 2 6 12 हो गया, 2 से कटाइए इसको तो ये हो जाएगा 25 और 2 3 6 और फिर ये हो जाएगा इतना, देखिए अभी भी कटेगा 2 से, अभी कटाते चलिए इसको तो 2 से फिर कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 123 हो जाएगा। अब 2 से इसको कटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, फिर 2 2 4 और फिर ये हो जाएगा 2 6 12 फिर 2 6 12 और ये 25 हो जाएगा। अब देखिए
ये ऊपर मिला आपको 1,26,625, हम यहाँ इसको लिख देते हैं, ये 1,26,625 और नीचे हो गया 123 और इनटू हो गया आपका 98। अब जो है अब 123 में 98 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ऊपर नीचे कुछ कटर लाइक नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो अब जो है ये 1,26,625 है और नीचे 123 का हम 98 में गुणा किए तो ये 12,054 है, और देखिए जब इसे भाग देंगे ना तो ये लगभग 10.5 मीटर आ जाएगा। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि वायु दाब मापी में पारे के जगह पर पास्कल ने जब शराब भर दिया था तो शराब के स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, तो शराब के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 10.5 मीटर के बराबर होगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समुद्र तल से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना, समुद्र तल से दूर ऊर्ध्वाधर संरचना का मतलब क्या, कोई दीवार तैयार की गई है। तो समुद्र तट से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना, जैसे बांध वगैरह आप देखे होंगे, नदियों से नदियों के किनारे बांध बनाया जाता है ताकि बाढ़ को कंट्रोल किया जाए, तो उसी तरह से हो सकता है ज्वार भाटा को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा ही होता है, समुद्र में तो बाढ़ आता नहीं है। तो समुद्र तल से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना 10^9 पास्कल के अधिकतम प्रतिबल को सहन करने के लिए बनाई गई है। देखिए ये समुद्र है और समुद्र के किनारे ये संरचना बनाई गई है जो 10^9 पास्कल, माने इतना ये दाब सह सकता है, प्रतिबल दाब के ही बराबर होता है, ये इतना दाब सह सकता है, अगर इससे अधिक इसके ऊपर दाब पड़ेगा तो ये टूट जाएगा। देखते हैं कभी कभी बांध टूट जाते हैं, तो जब बांध पर बहुत अधिक प्रेशर बनता है तो बांध टूट जाते हैं, और बांध पर प्रेशर न बने इसीलिए फाटक होते हैं नहर वगैरह में खोल दिए जाते हैं ताकि वो पानी नहर में जाने लगे, और नहर में जाने लगता है तो गाँव में भी बाढ़ आ जाता है, लेकिन बांध को टूटने से बचाने के लिए ये रास्ता होता है, यही रास्ता निकाला जाता है, दूसरा कोई विकल्प होता नहीं है। अब देखिए क्या है, क्या यह संरचना किसी महासागर के भीतर किसी तेल कुंप, एक चीज देखें हम आपको बता दें कि ये जो तेल शोधक कारखाने होते हैं, तेल शोधक कारखाने का मतलब जहाँ पेट्रोल का रिफाइनिंग किया जाता है, आपको मालूम है कि पृथ्वी के अंदर से ये कच्चा मटेरियल निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, और उसी पेट्रोलियम पदार्थ से डीजल, मोबिल, मिट्टी का तेल, डामर, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीज़ें जो है उसी के अंदर से निकाला जाता है, और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ये बहुत तेज़ी से आग लगता है, पकड़ लेता है, जल जाता है, इसीलिए तेल शोधक कारखाने जितने भी बनाए गए हैं समुद्र में बनाए गए हैं। और भारत का तेल शोधक कारखाना एक बहुत फेमस है जिसका नाम बॉम्बे हाई है, ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया कि बॉम्बे हाई क्या है, तो बहुत लोग समझते हैं कि ये बॉम्बे हाई जो है बम्बई जो है बहुत ऊंचा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं इसीलिए उसको बॉम्बे हाई कहते हैं, तो वो बॉम्बे हाई नहीं, इसका नाम रखा गया है बॉम्बे हाई, जो समुद्र के अंदर ये तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है। तो यहां पर यही कहा गया है कि किसी महासागर के भीतर किसी तेल कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह संरचना, संरचना का मतलब ये जो बांध बनाया गया है, अब यह संरचना किसी महासागर के भीतर किसी तेल कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है। महासागर की गहराई लगभग 3 किलोमीटर है,
महासागर की गहराई 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर कम नहीं होता है गहराई, 3 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में हम बदल देंगे तो ये 3000 मीटर हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो फिर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि समुद्र की गहराई इतनी है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे दाब बढ़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह संरचना उचित है, तो हम लोग ये देखेंगे कि समुद्र के द्वारा इस पर दाब कितना डाला जाएगा। अगर समुद्र के जल के द्वारा इस बांध पर डाला जाने वाला दाब 10^9 पास्कल से कम होगा तब तो यह संरचना उचित होगी, उपयुक्त होगी, और नहीं तो यह संरचना उपयुक्त नहीं होगी। समुद्र का जल इसके ऊपर इतना प्रेशर लगाएगा कि ये बांध टूट जाएगा और फिर जो है वही सुनामी वाली स्थिति आएगी, पानी जो है शहर के अंदर आ जाएगा और पूरा शहर जो है बह जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है तो सबसे पहले देखा जाए कि समुद्र के जल के द्वारा जो दाब आरोपित किया जाएगा वो कितना होगा, वह दाब इस दाब से दीवाल के दाब से कम है कि नहीं है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये जो है यहाँ देखा जाए P=h×ρ×g। तो यहाँ से हम द्रव के द्वारा डाला जाने वाला दाब ज्ञात करेंगे तो P=h की वैल्यू आपको दी गई है 3000 और रो जो है द्रव का घनत्व है, जल का घनत्व है, और जल का घनत्व आपको मालूम है 1.0×10^3 होता है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें कि ये कितना मिल रहा है। तो देखिए ये 3 0 और यहाँ 10^3 10^6 हो जाएगा और P=3×9.8 और 1.0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो ये 10^6 हो जाएगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 3 का 9.8 में, तो देखें ये जो है आपका देखें ये हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, फिर जो है हासिल 2 होगा और ये 27 2 29 हो जाएगा 0.1 अंक और गुणे हो गया आपका 10^6। अब जो है विज्ञान की भाषा में आप जानते हैं 0.1 अंक का होना ज़रूरी होता है, तो इसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे, 10 से भाग देंगे 2.94, 10 से गुणा कर देंगे 10^7, इतना पास्कल हो जाएगा। अब आपको देखना है कि समुद्र के जल के द्वारा इतना दाब डाला जाएगा और इसके पास इतना दाब सहने की क्षमता है। तो यहाँ देखे 10^7 है और यहाँ 10^9 है, इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र के जल के द्वारा इस बांध पर डाला जाने वाला जो दाब है वह दाब कम है और इस संरचना के द्वारा दाब सहने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए यह ऊर्ध्वाधर संरचना समुद्र के दाब को सहने के लिए उपयुक्त है। आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि यह उपयुक्त है कि नहीं है, तो आप कह देंगे कि यह उपयुक्त है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किसी द्रव चालित ऑटोमोबाइल लिफ्ट, द्रव चालित यानी द्रव से चलने वाला ऑटोमोबाइल लिफ्ट का मतलब स्वचालित लिफ्ट है, कि संरचना अधिकतम 3000 किलोग्राम द्रव्यमान की कारों को उठाने के लिए की गई है, यानी द्रव्यमान दिया गया है और ये द्रव्यमान दिया गया है 3000 किलोग्राम, बोझ को उठाने वाले पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का मान आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 425
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है और इसको मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 10^-2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 10^-2 का स्क्वायर 10^-4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 425 × 10^-4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें छोटे पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहना चाहिए, कितना दाब सहना चाहिए पिस्टन के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी दाब पी की वैल्यू पूछी जा रही है। और आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू होता है F बाई A, और आपको ये भी मालूम है कि F इज इक्वल टू होता है mg और नीचे हो जाएगा A। अब हम रखते हैं सबकी वैल्यू, तो M की वैल्यू हम रख रहे हैं ये 3000 और g गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान होता है 9.8 अपान A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये है 425 × 10^-4। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से अगर देखिए ये जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, और फिर जो है हम इसको कटाते हैं, और चाहे तो देखिए 25 से कटा सकते हैं, ये ऊपर जो है 300 है और नीचे 425 है, ये 25 से बड़ी सरलता से कट सकता है। अब देखते हैं फिर ये 12 का 98 में गुणा किए तो ये हो गया 1176 और नीचे 17 ही है। अब ये 10^-4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब 1176 में हम 17 से भाग दे दें और फिर देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है, तो ये वैल्यू 69.2 आएगी लगभग, और 10^4 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है, इसलिए 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे, 10 से भाग देंगे 6.92 हो जाएगा और 10 से गुणा करेंगे तो 10^5 इतना पास्कल हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहना पड़ेगा, तो इतना ही दाब सहना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी यू नली की दोनों भुजाएं, देखिए ये फिगर में यू आकार की नली है जिसको यू नली कहा जा रहा है, किसी यू नली के दोनों भुजाओं में भरे जल, एक तरफ जल भरा गया है और दूसरे तरफ मेथिलेटेड स्प्रिट भरा गया है, को पारा एक दूसरे से पृथक करता। और देखिए यहाँ ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग में यहाँ से यहाँ तक पारा भरा हुआ है, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहना है। इधर जल है, इधर स्प्रिट है और बीच में पारा भरा हुआ है। जब जल तथा स्प्रिट के स्तंभ क्रमशः, जल का स्तंभ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और स्प्रिट का जो स्तंभ है ये दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं, तो दोनों भुजाओं में पारे का स्तर समान, देखिए पारे का स्तर ए और बी दोनों समान है, याद रख रहिएगा। स्प्रिट की ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर है, जल की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो पारे का जो ऊंचाई है वो एक समान है। तो कहा जा रहा है कि स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, तो स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व याद रखे रहिएगा, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये घनत्व का अनुपात होता है।
किसी भी पदार्थ के घनत्व में जब जल के घनत्व से भाग देते हैं तो आपेक्षिक घनत्व निकलता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो आपेक्षिक घनत्व जो है घनत्व का अनुपात होता है। तो आपसे स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर जल के लिए डाला जाने वाला दाब हम पी डब्ल्यू मान लें तो पी इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी होता है। तो ये एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू और जी गुरुत्वीय त्वरण। और फिर अगर स्प्रिट के लिए देखें तो स्प्रिट के द्वारा डाला जाने वाला दाब पी एस इक्वल टू हो जाएगा एच एस रो एस और फिर ये हो जाएगा जी। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि पारे का स्तंभ समान है, पारे का स्तंभ समान है मतलब दोनों के द्वारा डाला जाने वाला जो दाब है यह दाब एक समान है, यानी पी डब्ल्यू जो है पी एस के इक्वल है। तो हम वैल्यू रख लेते हैं एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एच एस रो एस इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। और देखें आपसे क्वेश्चन में स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा है। तो चले स्प्रिट का हम आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो स्प्रिट का जो आपेक्षिक घनत्व होगा वह रोयस अपान रो डब्ल्यू के बराबर होगा। हमने आपेक्षिक घनत्व के बारे में बताया कि पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व का जो अनुपात होता है वही आपेक्षिक घनत्व होता है। तो यहाँ एच डब्ल्यू अपान एच एस इज इक्वल टू रोयस अपान रो डब्ल्यू हो जाएगा। रोयस क्या है? रोयस जो है स्प्रिट का घनत्व है और रो डब्ल्यू जल का घनत्व है। और हमने आपको बताया कि स्प्रिट का घनत्व और जल के घनत्व का जो अनुपात होगा वो स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व, ये आपेक्षिक घनत्व जो है ये एच डब्ल्यू अपॉन एच डब्ल्यू अपॉन एच एस के इक्वल होगा, ये एच एस हो जाएगा। अब हम यहाँ सबकी वैल्यू रख देते हैं। चले एच डब्ल्यू की जो वैल्यू है 10 मीटर है और एच एस जो है 12.5 है। तो अब जो है इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के लिए अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे तो 100 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125, 4 बटा में 5, 5 से भाग दे देंगे 5 बटे 40 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.80 हम लिख सकते हैं। चूंकि आपेक्षिक घनत्व है तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इस प्रकार जो है स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व 0.80 मिला। तो हमें उम्मीद है कि आज जो क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन बताए गए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।